युवा परिवर्तन कंप्लीटेड 20 इयर्स, व्हाट डू लाइक टू से? Well, I would like to say a very, very hearty congratulations and kudos to Yuva Parivartan and the work they do. I think that as actors, we portray the stories of heroes and heroines on screen. I think that these are people who are real-life heroes and heroines who are doing genuinely heroic work. This is the work of transforming India, and what better form of patriotism can there be than to actually do something constructive to better the lives of the people of our country. And they have released one video called a second life, second chance in a life. How do you believe in your real life? Means you will get a second chance or not? I think ki maine dekha inka jo second chance wala video hai, film hai, bahut hi inspiring film hai, aur mujhe lagta hai ki zindagi sabko hamesha second chance deti hai. बस आपको उतना सतर्क रहना होता है कि आप उस सेकंड चांस को पहचानें और उस अवसर को ग्रैब कर लें. मैम, स्टूडेंट्स ऑफ ऑल जन को इंस्पिरेशन मिली आपसे, शबाना आजमी और स्मिता पाटिल के बाद आपका नाम लिया गया, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे कान पकड़ने का मन कर रहा है. आई थिंक कि मुझे हमेशा लगता है कि हम परिणाम पे किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अपनी कोशिश पे कंट्रोल होता है. और वो एक सेइंग है ना कि कोशिश करने पे खुदा भी मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत सच है लाइफ में, एंड दैट्स द ओनली थिंग आई गो बाय. मैम, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करके कोई यादें ताज़ा हुई कॉलेज या स्कूल की? मुझे वो यादें ताज़ा हुई, बार बार मुझे लग रहा था कि अब बोलना बंद कर दो, क्योंकि लोग जब स्टेज के उस तरफ होते हैं तो यू नो, ये जो माइक पकड़ के अपनी बातें अच्छा लगता है, जब आप उस तरफ होते हैं तो लगता है कि ताली बजा दो, बंद कर दो इनको. मैम, आपकी मूवी आ रही है अनारकली ऑफ आरा, उसके बारे में कुछ कहना? अनारकली ऑफ आरा मेरी फिल्म आने वाली फिल्म है, 24 मार्च को आ रही है. बहुत ही खूबसूरत और ब्रेव फिल्म है, एंटरटेनिंग भी है, कमर्शियल भी है, लेकिन एक बहुत ही सही मुद्दा भी है उसमें और एक बहुत अच्छी बात कहती है फिल्म. तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इस फिल्म को. थैंक यू.